लगता है। मेरा पैर में ना काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रही है उंगली में, क्योंकि उंगली अंदर से थोड़ा सा गड्ढा हो गया है। मैं दूसरा वाला स्लीपर पहना हुआ था ना, वो जो ऊपर से आती है ना कवर वाली, वो वाली, और उससे मैंने ऐसे ही जंप करा, बस पाँव मुड़ गई पूरा चप्पल के। तो अभी काम ही चल रहा है इधर, फिर से और भी सारा लगता है, कुछ और भी बनेगा, मेरे को उतना अंदाजा नहीं है। बट ये देखो यहाँ भी कुछ बन रहा है भाई, ये देखो वहाँ पे वो ब्रिज है, क्रॉसिंग ब्रिज, और फिर अभी यहाँ पे कोई नहीं है, तो सारे लोग कोई भी लोग बैठ के अभी इधर मतलब रहते हैं फिलहाल। अभी ट्रेन आने वाली नहीं है ना, फिर भी सारे लोग वेट करते हैं, क्योंकि इधर जो भी। सो जय श्री राम गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। सो गाइस, आज अपन लोग रेलवे स्टेशन का वीडियो बनाने वाले, क्योंकि अपने एक सब्सक्राइबर्स जो कि जिसने मेरे को मैसेज करा बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन का वीडियो एक बार फिर से लाओ, क्योंकि बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन है ना, इससे पहले मैंने एक वीडियो लाया था, बट उस टाइम रेलवे स्टेशन बन रही थी, मतलब पहले से थी रेलवे स्टेशन, बट उसमें कुछ डेवलपमेंट हो रही थी, बट अब भी काफ़ी कुछ बदल चुका है, बहुत कुछ बदल चुका है, मतलब अब ना जंक्शन प्योर बन चुका है। तो आज अपन लोग जा रहे हैं रेलवे स्टेशन बिहार शरीफ, और फिर उसको दिखाने वाले हैं, फुल एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहना, वीडियो कहीं भी स्किप मत करना, जितना हो सके उतना वीडियो को देखना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना, और दबा के सब्सक्राइब कराना अपनी दोस्तों में। तो अभी फटाक से अपन लोग पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, नाश्ता, और फिर निकलते हैं जल्द से। सो फाइनली गाइज, ये अपना ब्रेकफास्ट है, अभी अपन लोग इसको खाएंगे और फिर अपन लोग निकलेंगे, क्योंकि अपने को वीडियो काफ़ी अच्छी वाली बनानी है। और फिर मैं बता दूँ, 2 संतरा 3 केला और फिर 1 पपाया का स्लाइस मैं खाता हूँ डेली ब्रेकफास्ट में। निकल चुके हैं गांव से, और फिर गांव का व्यू तो आप लोगों ने देखा है, ये देखो ये अभिषेक चला रहा है, पीछे मंटू और मैं। सुबह ये अपन लोग हाईवे क्रॉस कर रहे हैं, और फिर ओ भाई, तो ये है इधर देखो, पेड़ पौधा रुक चुका है यार हाईवे पे। और ये देखो अपने को इधर से जाना है सामने के साइड से सोसरा होते हुए स्टेशन। रोड देखो गाइस कैसा घटिया रोड हो चुका है, इधर वाला ये वाला भी बन जाए ना तो रोड काफी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हर जगह का रोड काफी सुधर चुका है। और तो फाइनली भाई, अभी अपन लोग आ चुके हैं रेलवे स्टेशन बिहार शरीफ का। भाई मतलब अपन लोग निकले थे 8-9 बजे के आसपास, 9 या फिर 10 बज गया था, बट 3-4 घंटे लेट हो गई, कुछ कारण थी गाइस, कुछ काम थी इसी कारण से लेट हो गई। और फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन, तो अभी मैं आप लोग को सारा कुछ दिखाता हूं रेलवे स्टेशन में क्या क्या चेंजिंग हुई है, प्लस सारा कुछ दिखाएंगे इच एंड एवरीथिंग। सो वीडियो में ये अपना यहाँ पे बाइक लगाएं, क्योंकि इधर से ही आपको पहले दिखाएंगे, और फिर ये देखो गाइस ट्रेन, पहले देखो यार स्टेशन देख लो, इधर से ही देखने में कितना बड़ा लग रहा है, ये बहुत पुराना वाला पटरी है, और फिर उधर देखो वो मतलब डैमी है, फिर क्या है, बहुत पहले से वो लगा हुआ रहता, बहुत पहले से उसको देख रहे लगा हुआ, कभी वो चल ही नहीं रहा मतलब स्टेशन बनने के बाद। और फिर पटरी देखो गाइस कितना सारा बन चुका है, ये देखो ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, वो 2 है, और फिर वो 3, 4, 5, 6, टोटल 6 प्लेटफॉर्म है, काफ़ी बड़ा। और फिर वो देखो बिहार शरीफ जंक्शन, और देखो यार अभी पूरा सन्नाटा है, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहा है, और यहाँ पे अभी कोई ट्रेन नहीं पास होने वाली, इसी कारण से सन्नाटा। और फिर नीचे के साइड से देखो ना भाई, काफ़ी भयानक वाला बन चुका है, पहले तो गाइस ये सिर्फ ये और फिर ये था, बस 2 ही पटरी था, लेकिन अभी देखो प्लस उधर देख रहे हो ब्रिज भाई, नया नया क्रॉसिंग ब्रिज पास हुआ, मतलब बनाए नया नया, वो भी आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में, अभी पहले मैं आपको उधर जाके दिखाता हूँ सारा कुछ। भाई ये देखो ये बिहार शरीफ जंक्शन है, और इधर की साइड देखो, इधर 2 पटरी और, इधर 2 था ना, और फिर इधर भी देखो, इधर भी 2 और है, प्लस उधर भी और है। अपन लोग लेकिन आगे नहीं जा पा रहे, क्योंकि अपने को चोट लग चुकी है, और मैं आपको कैसे दिखाऊँ, बट मैं आपको ऐसे डायरेक्ट से दिखा देता हूँ। ये देखो गाइस ये उंगली कट चुका है, थोड़ा सा इधर हो गया, ज़्यादा हट गया कट के यार, तो उसके कारण ब्लीडिंग हो रहा था, अपन लोग बहुत मेहनत किए तो रुका है। बट वो देखो वो ट्रेन है उस तरफ, तो उस तरफ जाने में प्रॉब्लम होगी, बट फिर भी आपके लिए तो ये तो करना ही पड़ेगा ना, तो अभी मैं उस तरफ जाके आपको दिखाता हूँ वाली ट्रेन।
तो भाई देखो यार, वहां से अपने को यहाँ पे आने में ना काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई। हालांकि थोड़ा सा दर्द हो रहा है ज्यादा, बट फिर भी यार आप लोग लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। और फिर ये देखो ट्रेन पुरानी वाली, मतलब काफी टाइम से लगी हुई है। और फिर देखो इधर के साइड ना भाई, देखो पूरा ट्रेन वीरान, कोई भी ना है भाई ये ट्रेन में। देख लो कोई ना, सिर्फ अभिषेक है ये देखो। और फिर इधर देखो, इधर भी स्टेशन बनेगी ना, तो इधर देखो जगह कितना है भी यार, सारा बैट बॉल खेल रहा है भाई, देख रहे हो वो देखो, हर कोई बैट बॉल। तो इधर इस साइड भी स्टेशन बनेगी, उस तरफ तो है ही, मतलब जो टिकट काउंटर सब होती है ना वो इस तरफ से भी बनेगी। तो इस तरफ काफी ज्यादा प्लस सारे लोग बैट बॉल खेल रहे हैं। और फिर अभी अपन लोग यहाँ से निकलते हैं। दर्द बहुत ज्यादा है भाई, पाँव में बहुत ही ज्यादा है, हद से ज्यादा है, बट फिर भी यार क्या ही कर सकते हैं भाई। और फिर ये देखो इधर से पटना के रूट से इधर आती है, बख्तियारपुर से इस तरफ आएगी। और फिर ये वाला रूट तो पता नहीं, लेकिन वो जो मेन वाला रूट है ना वो एक राजगीर की तरफ जाएगी, और फिर एक उस तरफ पता नहीं किस तरफ, मतलब उस तरफ का नाम मेरे को पता नहीं आ रहा, उस तरफ जाएगी। तो दो रूट यहाँ से डिवाइड होगी, और इधर से तो भाई बख्तियारपुर पटना ही सबसे आती ही है। ये देखो वहाँ पे वो ब्रिज है, क्रॉसिंग ब्रिज। और फिर अभी यहाँ पे कोई नहीं है, तो सारे लोग कोई भी लोग बैठ के अभी इधर मतलब रहते हैं फिलहाल। अभी ट्रेन आने वाली नहीं है ना, फिर भी सारे लोग वेट करते हैं, क्योंकि इधर जो भी चरवाहे सब आते हैं ना, सारे लोग यहीं पे वेट करते हैं, क्योंकि अभी इधर कोई बाउंड्री नहीं हो रखा। बट कंप्लीट होगी ना तो चारों तरफ से बाउंड्री हो जाएगी, लाइक उस तरफ से एक बाउंड्री होगी, एक इस तरफ से होगी, मतलब इधर तो स्टेशन ही रहेगी, उसके इधर उधर बाउंड्री हो जाएगी। उसके बाद गाइज मतलब सारा टीटी प्लेटफॉर्म पे ही रहेगा, और फिर ऊपर से जो कवर होती है ना वो भी हो जाएगी। बट अभी कहीं कहीं पूरा ओपन है, बनने के बाद वो सारा कुछ होती है, बट अभी इनकम्प्लीट ही है। कंप्लीट होने में इसको लगभग मैं भी मानो ना तो 2-3 साल तो लग ही जाएगा, 1-2 साल आराम से लग जाएगा। और फिर ये देखो क्रॉसिंग ब्रिज है, उधर से स्टार्टिंग इधर ख़त्म, इधर से स्टार्टिंग उधर ख़त्म, तो ऐसा है। और फिर इधर के साइड भाई पूरा खुला हुआ है इधर के साइड। तो वो देखो वो हावड़ा वाला ना एक चीज ला दिया यहाँ पे, जो एंड में होती है ना एक स्टॉपेज वाली, ये वाली मेरे को काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा। अभी एक स्टॉपेज दिया, शायद एक दो इधर भी एक लास्ट वाला में दे देगा। और ये देखो प्लेटफॉर्म पटरी टोटल न्यू लग रहा है। और फिर ये ऊपर चढ़ने वाला, ऊपर चढ़ के आपको दिखाया, फिर ऐसे ही तो आप लोग देख ही लिए होगे यार गाइज। एक उधर से होगा चढ़ने वाला, एक ये वाली होगा, एक वो, टोटल 4 है, और एक उधर से डायरेक्ट 5 है टोटल चढ़ने वाली। और बाकी आगे का तो आपको पता है, आगे फिर भी आपको दिखा देते हैं आगे से भी गाइज, क्योंकि आगे कुछ बना नहीं है, जैसा पहले था ना वैसा ही है अभी फिलहाल। तो कितना खतरनाक लग रहा है, देख लो बहुत ही बड़ा स्टेशन बनने वाली है भाई, मतलब कुछ भी बोलो। ये देखो अभी अपन लोग ऊपर आ गए, एक देखो इधर से एग्जिट होगा, और फिर यहाँ पे देखो सारे लोग कैसे बैट बॉल खेल रहे हैं। कितना बड़ा एरिया है ना वो पहले देख लो यार। तो इतना बड़ा में न्यू स्टेशन इधर बनेगा, जो भी टिकट काउंटर सारा कुछ होती है वो इधर होएगा। और इधर की साइड देखो, ये तो पुराना वाला इधर था, वो देखो वहाँ पे जो टिकट कटती थी ना वो उधर है, वो देखो पहले वहाँ से एंट्री होता था, अभी भी वहाँ से एंट्री होगा, गेट 2 होगा, गेट 1 वही रहेगा, गेट 2 ये वाला होगा जो भी होगा। सो बस यही कुछ है गाइस। और फिर पटरी देखो ना ऊपर से काफ़ी हेवी लग रहा है, देखो कितना सारा पटरी हो गया, पहले 2 था अभी काउंट करो कितना हो गया। और इस तरफ देखो भाई, अभी इस तरफ देखो भाई, एक पटरी इधर, 2 उधर 2 उधर, और फिर 1 उधर। इधर का भी देख लो पटरी कितना भयानक लग रहा है, हेवी वाला। और इधर सारे लोग बैट बॉल खेल रहे हैं, वो चिल्ला रहे थे उधर से भी। भाई अभी तो हम लोग ऊपर से ही जा रहे हैं, बस ऐसे ही पीछे की साइड भी देखो ना, तो बस ऐसे ही हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे उतर के। आपको आगे से फ्रंट से दिखाते हैं कैसा सीन है अभी का रेलवे स्टेशन बिहार शरीफ का। इधर तो अभी काम ही चल रहा है, इधर फिर से और भी सारा लगता है, कुछ और भी बनेगा, मेरे को उतना अंदाजा नहीं है। बट ये देखो यहाँ भी कुछ बन रहा है भाई, ये देख लो भाई यहाँ पे भी कुछ बन रहा है, मेरे को उतना पता नहीं चल रहा, बट वो भी मैं भी उधर से टूट के ना सारा इधर ही आ जाएगा। और ये गेट 1 तो रहेगा ही, गेट 2 उधर से होएगा। तो अभी आगे से भाई यार पैर में काफ़ी ज़्यादा दर्द है भाई, बहुत ही ज़्यादा दर्द है। ये देखो ये अपना पुराना स्टेशन का एंट्री है, इधर से ही पहले अपन लोग एंट्री लेते थे, देख सकते हो। अभी अपन लोग यहाँ से ना एंट्री लेके अंदर जाते हैं, और फिर आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ का एंट्री गाइस। तो यहाँ से अपन लोग एंट्री ले रहे हैं, इधर टिकट मिलता है देख सकते हो, इधर के साइड टिकट मिलता है। और फिर ये अपना पूछताछ है, और अंदर यहाँ से एंट्री है भाई, देख लो ये इधर से एंट्री ली है। यहाँ पे कुछ शॉप है, और इधर देखो भाई रेलवे स्टेशन, यार अभी भी भीड़ है इधर, हल्ला यार। और फिर ये देखो भाई पटरी का कुछ ऐसा रूप है, मतलब इधर के साइड राजगीर, और फिर इधर अपन लोग पटना या फिर बख्तियारपुर से आते हैं, और फिर ऊपर देखो भाई पुराना वाला ब्रिज कैसा है। और फिर ये जो शॉप है ना, ये मेरे को पता नहीं, ये न्यू खुली है,
और फिर यहाँ पे अभी भी लोग भीड़ है, और फिर ये भैया जी अपना काम करते हुए, और फिर इधर देखो ना तो इधर अपन लोग उतना धूला धूला थोड़ा सा आ रहा है, कैमरा में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और फिर भीड़ देखो काफ़ी अच्छा भीड़ है यार अभी भी, मतलब इतने लोग हैं। कोई ट्रेन आएगी शायद मे बी 4 बजे के आसपास कोई ट्रेन। तो फाइनली भाई आप लोगों को सारा कुछ दिखा दिए, और जो कुछ भी बचा होगा मेरे को माफ करना गाइस, बट अपन लोग पूरा दिखा ही दिए, बट कुछ कुछ मे बी मेरे ख्याल से छूट गया है, बट आप लोग गेस करोगे तो थोड़ा बहुत छूटा है। बट मेरा पैर में ना काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रही है उंगली में, क्योंकि उंगली अंदर से थोड़ा सा गड्ढा हो गया है। मैं दूसरा वाला स्लीपर पहना हुआ था ना, वो जो ऊपर से आती है ना कवर वाली, वो वाली, और उससे मैंने ऐसे ही जंप करा, बस पाँव मुड़ गई पूरा चप्पल के साथ, तो उसके कारण फिंगर में बहुत ही ज़्यादा वाला गड्ढा हो गया। ब्लीडिंग तो भाई पूछो मत, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा था, बट उसको अपन लोग कैसे भी कंट्रोल किए हैं, और अभी चल रहा है तो अपने को ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो इसी कारण से अपन लोग थोड़ा सा वीडियो को फुल डिटेल में नहीं बना पाए, बट नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई गाइज, मैं बहुत अच्छे से बनाने का कोशिश करूँगा, बट अभी दर्द काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी अपन लोग यहाँ से जल्दी से निकलते हैं, और फिर गाइज डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन लेंगे। पहले तो पेन किलर लेनी है, उसका सूखने वाली एक मेडिसिन लेनी है। तो बस फटाक से अपन लोग यहाँ से निकलते हैं। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना, और ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहना। सो बाय बाय, जय।